और भाई रास्ते में बहुत सुंदर नज़ारा है। ये है मैरी गोल्ड यानी कि गेंदे के फूल मेरे चारों तरफ, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, तो इसको मिस मत करिएगा, इसमें जाकर उनसे इजाज़त लीजिएगा और पहुँचिएगा, बहुत ही सुंदर।
पहुंच गए हैं बाराचुक्की फॉल्स। यहाँ पर मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब आगे का नज़ारा देखते हैं, आपको वैसे ही बताते जाएंगे। तो ये यहाँ की पार्किंग है और सामने एंट्री है। यहाँ पर साइड में कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, अब यहाँ पर खा सकते हैं अगर नहीं कर रहे थे। और वो सामने दिख रहा है एक फॉल वाइट, वहाँ तक जाएंगे क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। हम अगस्त की मंथ अगस्त का है तो काफ़ी पानी हुआ रिवर कावेरी में। तो एक ओवर व्यू दिखा दूँ आपको, इससे आप डाउन जाएंगे और ये जो गंगा है यहाँ पर नीचे सीढ़ियाँ हैं, वॉकर पर नीचे जाना होगा। मैं आपको दूसरा क्लोजअप दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एंट्री करने से पहले एक शिलान्यास है, उसको देखते हैं। ये बाराचुक्की फॉल, इसके क्लोज जाएंगे ग्रिल के पास। मैं जब यहाँ 13 इयर्स बैक आया था तब ये ग्रिल्स नहीं थे। मैं आपको पुरानी फ़ोटोज़ भी ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, मगर फॉल्स यही थे। यहाँ पर ये सब टूटा हुआ था, अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है। यहाँ पर बैठने के लिए, नज़ारे का मज़ा लेने के लिए बेंच है, भी अच्छा बन गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आप फिट दे सकते हैं और डाउन जा सकते हैं। मैं यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। एंड मुझे याद है लास्ट ईयर में अगस्त में एक्चुअली जॉग फॉल देखने गया था और वहाँ पर इतना फॉग था कि मुझे जॉग फॉल कम दिख रहा था, फॉग ज़्यादा दिख रहा था। और यहाँ से जो बाराचुक्की का नज़ारा है बहुत ही सुंदर है, ये जॉग फॉल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर स्विमिंग करना प्रोहिबिटेड है। बाराचुक्की मतलब यहाँ से बारह फॉल्स, तो स्मॉल स्मॉल यहाँ पर बारह फॉल्स मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही होंगे। मैं जब पहले आया था तब यहाँ पर एक राउंड बोट चला करती थी और मैं उसमें बैठा भी था और मैं उस पार गया। अब तो काफ़ी चेंज हो गया मगर अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी व्यवस्थित है। चलो अब नीचे जाकर देखते हैं। इस बार बाराचुक्की में काफ़ी पानी नज़र आ रहा है। हम एक बार यहाँ गर्मियों में आए थे तो यहाँ पानी बहुत कम था और इस समय बहुत ही अच्छा है। और नीचे जाकर नीचे का नज़ारा लेते हैं। ओ वहाँ पे गेट बंद है तो हम नीचे तो नहीं जा पाएंगे आज, मगर यहाँ से नज़ारा ज़रूर लेंगे। यहाँ पर एक और पड़ाव है जहाँ से हम नज़ारा ले सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ अराउंड 29 डिग्री है क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी में दिखा था। और थोड़ी सी हवा में नमी है, अच्छा लग रहा है। ऊपर बादल हो रहे हैं, ज़्यादा क्लाउड सनी नहीं है। तो मैं दूसरे थोड़ा छुट्टी शूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत ही लुभावना नज़ारा है, बट अगर इसके नीचे जाके टच करने को मिलता तो और मज़ा आता। मैं वहाँ जा चुका हूँ, ये जो बड़ा फॉल है इसके नीचे, मगर शायद 12 साल पहले मैं वहाँ ना आ चुका हूँ। फिर हम वॉक कर करके वापस और फिर ऐसे ऊपर आए थे। मुझे लगता है मुझे बाद में जाके वॉइस ओवर करना पड़ेगा, मगर एक बात खास है, अब यहाँ पर काफ़ी सेफ्टी है। मैंने आराम से कार पार्क की और मैं आराम से तसल्ली से यहाँ पर नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, मगर पहले बहुत ही ख़राब था।
क्योंकि हम इससे नीचे जा नहीं सकते हैं, तो अपन को ये ट्रिप तो यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। बाकी और जगह की तरह यहाँ भी एक फ़ोटोग्राफर है, 50 रुपये में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो अपनी, अच्छा लगेगा। मेरे पीछे नज़ारा है बाराचुक्की का और मैं अब सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रहा हूँ वापस जाने के लिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो नहीं पसंद आया हो उसको कमेंट करें। डिसलाइक करने वालों को मैं रोक नहीं सकता, ऑफकोर्स आप डिसलाइक करिए, जिसको नहीं देखना मत देखिए यार, कोई फोर्स थोड़ी है। तो मैं वापस जाता हूँ अपनी गाड़ी के पास, एक ग्लास में जा रहे बाराचुक्की के, वहाँ आसपास गांव है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक ये मोमेंटम है जिस पर लिखा है बाराचुक्की फॉल, ये पूरा कनाडा में इसका स्टोरी मेंशन है, उसकी वजह से गेट्स बंद था, अदरवाइज आप शायद यहाँ नहा भी सकते थे फॉल के अंदर, क्योंकि मैं तो पहले नहा चुका हूँ। ओके, यहाँ पर साइड में कुछ स्टॉल्स हैं, मुझे उनसे खाना अक्सर अच्छा लगता है, मगर मैं कोरोना वायरस की वजह से अभी साइड का कुछ नहीं खाऊंगा। मैं कुछ मंकी दिखाता हूँ यहाँ पर, जो कुछ एक्टिविटीज में बिजी हैं। तो देखिए कुछ ऑलमोस्ट 30 डिग्री होगा यहाँ, ज़्यादा ही होगा, और मैं यहाँ फ्राइडे को आया हूँ इसलिए भीड़ कम है, और अदरवाइज़ यहाँ वीकेंड पर बहुत भीड़ रहती है, कई बार गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं होती है। तो देख कर आइएगा, तो समझ के टाइम निकल कर आइएगा, जैसे कि आप ज़्यादा इंजॉय कर सकें। और मेरे पीछे आप देखिए कितनी छोटी छोटी स्टॉल है। चलिए हम जाएंगे, हमारा टाइम हो गया है। मैं आपको पार्किंग भी दिखा देता हूँ, मेरे पीछे ये है, यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पर मेरे घर में 25 गाड़ियाँ कार पार्क यहाँ हो सकती हैं अपोजिट साइड में करो, और उसके साइड में इधर भी कुछ गाड़ी पार्किंग है। बहुत ही अच्छी रोड है, आप यहाँ से आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हो, काफ़ी स्पेशियस है, बट वीकेंड पर आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ तो भाई यहाँ पर भी पार्किंग है और इधर भी पार्किंग है, आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं इधर भी पार्किंग है। आई थिंक अराउंड 150 कार पार्क हो सकती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे लगने वाले लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो भाई जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा ऑफ कोर्स आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप सेफ्टी के साथ कोरोना वायरस में घूम भी सकते हैं, ऐसा नहीं घर में आप हमेशा बंदे रहेंगे, ऑफ कोर्स वी हैव टू लिव विद इट जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता। आइए आराम से, कुछ लोग बाइक से भी आ रहे हैं, मैंने देखा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कार से आएंगे, बाइक से भी बेंगलोर से लोग आ रहे हैं। ये अराउंड 1 किलोमीटर है, अगर आप नाइस रोड लेते हैं, नाइस रोड लेकर आप मैसूर रोड से आप लेफ्ट लेंगे 90 किलोमीटर, और लेफ्ट बच जाएगा, और वहाँ से आपको पड़ेगा करीब ये जगह 129 किलोमीटर। तो मैं आया हूँ मैसूर रोड से और नाइस रोड के टोल से, और वापस जाऊंगा जिगनी से।